नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी दिल्ली से ट्रेन से चलकर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना समेत भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष के साथ 12 से भी ज्यादा सांसद विधायक दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं। आपको ये बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला लखनऊ दौरा है। चारबाग रेलवे स्टेशन से भाजपा कार्यकर्ता यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। वहीं भाजपा कार्यालय तक उनके स्वागत की तैयारियां भरपूर तरीके से की गई थी। पौड़ी के श्रीनगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नेथाना पुल से अलकनंदा नदी में धक्का दे दिया। मामले को लेकर श्रीनगर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ श्रीनगर हरिओम राज चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल यादव समेत तीन अन्य दोस्तों ने रात को शराब पी थी, जिसके बाद दो युवक अपने अपने घर चले गए, लेकिन राहुल यादव और अनुसुईया प्रसाद श्रीनगर अलकनंदा नदी स्थित पुल पर चले गए, जहां बातचीत के दौरान सुया प्रसाद ने राहुल यादव को पुल से धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद खुद युवक ने स्वीकारी है। थे जो आपस में दोस्त थे, तो ये 22 तारीख को रात को शराब पीकर बैठे हुए थे। इनमें से दो लोग तो अपने घर को चले गए थे और दो लोग साथ में बैठे हुए थे, और इसको जो अनसुईया प्रसाद है वो इसको लेकर, जो यादव लड़का है, राहुल यादव है, उसको लेकर गया और पुल पर लेकर गया था, और इसने उससे बातचीत करते करते में उसको पुल से नीचे फेंकने की बात आई है, जो इन्होंने अपने बयानों में कहा है, और इस पर विवेचना की जा रही है और दोनों इस अभियोग में, 302 के अभियोग में हिरासत में लिया है और जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया। इन दिनों उत्तराखंड में बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। बारिश लगातार हो रही है, आए दिन रेस्क्यू की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनकर आई। उफनाई खचरा नाले में यात्रियों, स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल नाला पार कराया गया। नाले के उफान के चलते एसडीआरएफ के जवानों की जान भी बुरी तरह जोखिम में थी। थोड़ी सी भी चूक से उफनते नाले में वो बह सकते थे। बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर एसडीआरएफ जवानों ने एक घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी को सुरक्षित नाला पार कराया। सभी लोगों से यहां पर आभार जताते हुए लोग नजर आए हैं। लखनऊ के हसनगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर बी सड़क पर जमकर बवाल हुआ। ईंट पत्थर चले सरिये से युवकों ने हमला बोल दिया। दरअसल विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर था, जिसमें दर्जनों लोगों के साथ मारपिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान युवक ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। बवाल के चलते डालीगंज में लंबा जाम लगा रहा। श्रावस्ती में कजरतीज पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़े। कांवड़ियों का जत्था विभूतिनाथ मंदिर की ओर रवाना हुआ। एएसपी प्रवीण कुमार यादव को संपूर्ण सुरक्षा प्रभारी अधिकारी बनाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 68 मजिस्ट्रेट, 95 पुलिस विभाग के अधिकारी लगाए गए। मेला क्षेत्र में 3 सेक्टर, 7 सब सेक्टर, 16 बैरियर, 14 पार्किंग, 2 मोबाइल पार्टी लगाई गई है, 2 QRT, 1 कंपनी PAC, 2 वायरलेस कंट्रोल टीम और 4 वॉश टावर बनाए गए हैं। और अब खबर गाजीपुर से, जहां अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी भुटकुरा के मार्गदर्शन में 25 तारीख को ग्राम बहरपुर थाना नंदगंज में हुई हत्या के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और यहां पर जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नंदगंज में 25/8/2022 को एक मर्डर की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। सत्यम सिंह इस लड़के का नाम था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में 3 टीमों का गठन करके लगाया गया था और 3 व्यक्तियों की कल गिरफ्तारी जो है पुलिस को करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जिसका नाम अमन यादव है और 2 बाल अपचारी है, जिसके नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं रहेगा। इन लोगों के बीच में जो है लगातार झगड़े चलते थे। 2 गुट इनके बने हुए थे उसी गांव में, थाना नंदगंज में,
और लगातार इनके झगड़े वहाँ पे चलते थे, उसी झगड़े ने से रिलेटेड ये पूरा प्रकरण जो है वो हुआ था, एक व्यक्ति की इसमें हत्या हुई थी। हमीरपुर में युवती के साथ दरिंदगी की गई है, पुलिस ने दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फरार चल रहे 3 अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के अवैध संपत्ति की जाँच कराकर बुलडोजर चलेगा। आरोपियों पर बुलडोजर प्रहार से महिलाओं के साथ अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़िता को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। पीड़िता का नाम पता सब गुप्त रखा गया है। गौरतलब है कि 18 अगस्त को युवती के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ था। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। सहारनपुर में अधिवक्ता जिशान अहमद की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन, सिविल कोर्ट और जिले की समस्त बार एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन और अपनी मांगों को एक ज्ञापन सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को सौंपा गया है। प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन, सिविल कोर्ट और जिले की समस्त बार एसोसिएशन से जुड़े कई वकील मौजूद रहे। स्टेट बार एसोसिएशन बेट का अध्यक्ष ठाकुर प्रदीप सिंह, हमारे अधिवक्ता जिसान एमएन जो सीनियर अधिवक्ता उनमें लगभग 7 वर्ष है के साथ पुलिस ने रात के 1:30 बजे घर में घुसकर तोड़फोड़ कर उनके मकानों के दरवाजे तोड़कर लात घूसे चलाकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए शराब की हालत में जो अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है और गला पकड़कर मारपीट करते हुए गाड़ी में खींच के लाए हैं, उसके विरोध में आए थे। कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अगर मुकदमे में भी झूठा पाया जाता है उसके ऊपर भी विचार करते हुए पूरे प्रकरण में निष्पक्ष ईमानदारी पूर्वक सच्चाई से जांच होगी और किसी के साथ कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ बख्शा नहीं जाएगा। फरुखाबाद में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों सहित 1 महिला की हालत गंभीर है। 3 को गंभीर हालत में परिजन सीएससी लेकर पहुंचे। सीएससी के डॉक्टर ने जिला अस्पताल से लोहिया रेफर कर दिया है। एक परिवार की महिला सहित 4 बच्चों ने माइक्रोनी बनाकर खाई थी। माइक्रोनी खाने के बाद 5 की हालत बिगड़ गई। परिजन सीएससी लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया, 3 को अस्पताल रेफर कर दिया है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के डाड़ीपुर गाँव का ये पूरा मामला। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। थाना रानी पोखरा के अंतर्गत इस घटना में आरोपी व्यक्ति ने अपनी मां, पत्नी और 3 बेटियों की मौत के घाट उतार दिया था। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हत्या में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी महेश तिवारी कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके चलते घर में रोजाना विवाद होता था। आरोपी से बातचीत में पता चला है कि आरोपी दिन भर पूजा पाठ करता था और उसका बड़ा भाई महेश तिवारी घर खर्च के लिए हर महीने पैसे भेजा करता था। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के दबकी कला गांव में शाम से लेकर देर रात तक पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। दरअसल शाम के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि लगभग दर्जन भर अज्ञात बदमाशों द्वारा गांव में फायरिंग को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली के एसआई अंकुर शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर अज्ञात बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई, मगर कई घंटों तक चली कॉम्बिंग के बावजूद बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले इसी गांव में 1 साथ 10 घरों में चोरी को अंजाम दिया गया था। तब से ग्रामीण खौफजदा होकर हाथ में लाठी डंडे के साथ रात गुजारने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि चोरी घटना को अंजाम देने वाले अभी भी क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का सोमवार को जनपद स्तर पर मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान एवं जिलाधिकारी अभिष रोहिला दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस एवं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर जिला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में विधायक जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के 150 बालक और 150 बालिकाओं सहित कुल 300 खिलाड़ियों को चेक वितरित किए हैं। और आज खेल दिवस भी है। हमारे सच्चे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी यूनियन योजना का जो शुभारंभ किया और आज ये लग रहा है वास्तव में जो खेल के प्रति
बच्चों के अंदर दूर दराज के ग्रामीणों में जो छुपी भावना थी वो कैसे आगे कैसे वो मतलब अपने उसमें आगे आए, इसके लिए इस योजना का पूरे प्रदेश के अंदर संचालन किया गया। और जितने भी हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गांव के बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको 1500 रुपए मासिक की ओर से जो खेल प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान रहेगा, अपनी प्रतिभागिता करेगा, उसको हर महीने 1500 रुपए का वजीफा के तौर पर दिया जाएगा। हर साल उसको फिर दोबारा वही जो दौड़ भाग जो भी उसका खेल में जिसकी रुचि होगी। राजधानी देहरादून पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अब 7 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करेगी, जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों ही मुद्दों से सरकार ने अब नजरें फेर ली हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गी स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है। ये पूरा मामला उस वक्त का है जब शिक्षा विभाग संघ की टीम स्कूल का जायजा लेने जयनगर नंबर 3 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय धीमरी खत्ता पहुंची। सोलर लाइट लगवाए जाने को लेकर बातचीत की जा रही थी कि इसी बीच ग्रामीणों के दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए, और यही नहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे भी बरसाने लगे। पहले से ही ग्रामीणों में किसी बात को लेकर पूरा गांव दो हिस्से में बटा हुआ है। सोलर लाइट एक परिवार की देखरेख में लगाया जा रहा था, इसी बात पर विवाद हो गया। जयनगर नंबर 3 में एक हमारा प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें हमारे संगठन के जो मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इन लोगों का कल फोन आया था कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ विवाद है, आपको आना है। तो हम लोग उसी विवाद को निपटाने यहाँ पहुँचे थे। यहाँ एक सोलर वो लगा हुए सोलर लाइट लगी है, उसी की कोई विवाद, इनका आपसी विवाद था, उसको मुद्दा बना के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कल हंगामा किया। यहाँ पे पंखे लगा रहे थे जो SMC के अध्यक्ष हैं आलमगीर जी, तो इन्होंने पंखे भी तोड़ दिए दूसरे पक्ष ने। तो हमने कहा चलिए बैठ के इनको समझाया जाएगा। तो आज उसी में हम लोग समझाने आए थे कि बैठ के किसी चीज का हल निकले। ताकि प्रभारी अध्यापिका और आज के इस माहौल को देखते हुए हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, और कल से हम लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हम लोग इस विद्यालय में आए। तो आज के इस विवाद से हम बहुत ही हताहत हैं, और क्या मामला है जिस ऐसा बस इनके आपसी विवाद में और आपसी मुठभेड़ में ही जो है ये मामला बढ़कर आया है। पर हम लोग अब अपनी हम यहाँ पर पूरी तरह से असुरक्षित हैं, और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हम कल से जो है विद्यालय नहीं आएंगे फिलहाल। कोटद्वार पहुंचे उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए पूर्व में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अग्निपथ योजना के तहत कोटद्वार कौड़ियों स्थित शहीद गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड के युवकों को ऊंचाई और सीना में छूट का प्रावधान होने के बाद भी रियायत नहीं दी जा रही। कोटद्वार पहुंचकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पत्र लिखकर अग्निपथ योजना में निमित्ताओं के लिए अवगत कराया है, जल्द ही जाँच की जा रही है। अग्नि की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह है, और इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने केवल ये मुद्दा उठाया कि जो हमारे रिलैक्सेशन मिलता था हाइट में और चेस्ट में मिलता था, और पुलिस की भर्ती में भी हमें चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने रक्षा राज्य मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। दूरभाष से भी मैंने अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, जाँच करा रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें सुधार हुआ होगा निश्चित रूप में उसके बाद, और आगे भी सुधार होगा ऐसी मेरी कामना है। युवा कम आ रहे हैं अपेक्षित जो पंजीकृत है, इसमें अभी चलती रहेगी, अभी भर्ती चलती रहेगी। रेगुलर ये प्रारंभ हुआ है भर्ती का, और थोड़ा एंटिसिपेशन ज़्यादा हुआ है, काफ़ी लोग आए हैं, पर ये भर्ती चलती रहेगी,
और जो अभी भर्ती नहीं हो पाए आगे उनको मौका मिलेगा, तो ये रेगुलर भर्ती चलती रहेंगी और निश्चित रूप में इसमें जो रिलैक्सेशन हमने मांग की है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी यूनियन छात्रवृत्ति योजना के तहत इंडोर स्टेडियम पौड़ी में छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम के तहत करीब 300 बच्चों को चेक वितरित किए गए हैं। डीएम पौड़ी ने कहा कि इस योजना की मदद से जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हुआ है जिन्हें चेक वितरित किए गए हैं और आने वाले समय में वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत हुई है और इसी वजह से इन्हें चेक वितरित किए जा रहे हैं। जी के निर्देश के अनुक्रम में जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी का भी सहभाग है। जी, जैसे कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत आज मेरा जो बालक है 8 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान इसने जिले में प्राप्त किया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज इनको चेक वितरित किए गए। और जैसा कि मेरी भी अपनी पृष्ठभूमि रही है, मैं भी एक फुटबॉलर के तौर पे मैंने भी अपनी सेवाएं पौड़ी में दी हैं एक बतौर फुटबॉल रेफरी के तौर पे, और इन्हीं अपने जो कुछ मैंने सीखा है उसी का बहुत कुछ मैं अपने बच्चे पे उसका चाहता हूँ कि उसी क्षेत्र में वो भी आगे निकले। और सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 45 किलोमीटर दूर चित्रशाला घाट रानीबाग में पानी का बहाव इस कदर अचानक बढ़ गया कि एक साथ 3 चिताओं को पानी में बहा कर ले गया, जहां अफरा तफरी मच गई। एक ओर रानीबाग में मृत शरीर को अग्नि मुक्ति दी जा रही थी और अग्नि मुक्ति अस्थियों के विसर्जन से मिलती है, लेकिन चित्रशिला घाट पर ना अग्नि से मुक्ति मिली और ना ही पूर्ण मुक्ति के लिए अस्थियाँ बची हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।